दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आप गूगल ब्राउजिंग में आप ओपन कर सकते हैं एप्लीकेशन, कैसे इसमें ट्रेड लगा सकते हैं, कैसे अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं, कैसे पे इन पे आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट मार्ट की वेबसाइट पर चलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। आप सबसे पहले आप यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको प्लीज कंफर्म द इमेज शो बिलो, इसमें आपको राइट टिक क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन और आंसर पूछेगा। तो जो आपने लॉगिन करते समय अपना क्वेश्चन का आंसर बनाया था, वही क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब देखेंगे ये नया पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ब्राउजिंग अगर आपका नेट स्पीड अच्छा है तो तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्ट का लोगो दिख रहा है। आप मेरे माउस के कर्सर पे आप नजर रखेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप उसके जस्ट बगल में राइट साइड में निफ्टी दिख रहा है, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो दिख रहा है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, डैशबोर्ड से कुछ और लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। मैं निफ्टी ऑटो को हटा के यहाँ पे चेंज कर देता हूँ सेंसेक्स डाल देते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे सेंसेक्स आ गया, सेंसेक्स क्या रेट चल रहा है यहाँ पे आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि सारे ऑप्शन आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, कैसे आप वॉच लिस्ट ऐड करेंगे, ट्रेड बुक कहाँ से देखेंगे, पोजीशन कहाँ से देखेंगे, और आपने कोई होल्डिंग ले रखी है तो उस होल्डिंग को आप कहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको हटा देता हूँ, आप इनको कट कर देंगे तो ये बॉक्सेस जो हैं वो इजीली हट जाएंगे। मार्केट वॉच का भी मैं हटा देता हूँ, सिंपल अभी क्लीन हो गया है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे राइट साइड में कनेक्टेड का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ये ऑप्शन, इसके जस्ट ऊपर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक जैसे ही करेंगे आप, तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेगा, ट्रेड स्पीयर्ड अलर्ट यूजर प्रोफाइल प्लस पेन बीएससी स्टार्ट म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी एसआईपीस, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे जो काम का ऑप्शन है वो है ट्रेड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मार्केट वॉच, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, पोजिशन, होल्डिंग, बास्केट ऑर्डर, इंट्राडे चार्ट, आरएमएस लिमिट। अच्छा, आरएमएस लिमिट में क्लिक करेंगे ना तो आपका जो करंट अमाउंट डीमैट में बचा हुआ है वो अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मार्केट वॉच वाला ऑप्शन लाना है, तो मार्केट वॉच वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ठीक है। मार्केट वॉच वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं मार्केट वॉच की एक विंडो आ गई है आपके सामने, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इसको आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के माउस को इस यहाँ पे आप रखेंगे और इसको होल्ड करके जस्ट आप नीचे लाएंगे तो ये नीचे भी हो जाएगा आपका इजिली। ये देखिए आप, ये बेसिकली एक ऑप्शन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। इसके बाद मार्केट वॉच के बाद ऑर्डर बुक ले लेता हूँ, ऑर्डर बुक के बाद मैं ट्रेड बुक ले लेता हूँ, और ट्रेड बुक के बाद मैं
पोजीशन वाला भी अपना वो ले लेता हूँ, एक विंडो ले लेता हूँ, ठीक है। इसको आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, जैसे फिलहाल पहले मैं इसको नीचे लाऊंगा, इस विंडो को ये देख सकते हैं आप, ये नीचे आ गया। आप अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे ले जाना है और इसको राइट स्वैप करना है तो ये विंडो आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप नीचे से भी इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप नीचे से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई एक मार्केट वॉच आपको नई ऐड करनी है, इस पर तो पहले से ही मार्केट वॉच ऐड है, मैं आपको बता देता हूँ नई मार्केट वॉच कैसे ऐड करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले आपको क्रिएट MW में क्लिक करना है। MW में क्लिक करने के बाद जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे नाम, उसका मैं डाल देता हूँ XYZ, ठीक है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ये देखिए XYZ आप डालेंगे। इसके बाद क्रिएट में क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक चेन सेलेक्ट करना है, जैसे मैं NSE अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको आप ऑल में रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप स्टॉक का नाम सर्च कर लीजिए जो भी आपको लेना है, जैसे हीरो मोटर कॉर्प, या फिर SPIN, ये देख सकते हैं आप, ये आ गया। आपको स्टेट बैंक वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ये तो आप ये देख पाएंगे इजिली कि ये आपका मार्केट वॉच में ऐड हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको अगर कोई बैंक निफ्टी की निफ्टी या बैंक निफ्टी की ऑप्शन या कॉल पुट ऐड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड स्क्रिप्ट में क्लिक करना है। ऐड स्क्रिप्ट में क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, सेलेक्ट एक्सचेंज में जाना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट एक्सचेंज में जाना है। एक्सचेंज में जाने के बाद FNO में सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इंडेक्स सेलेक्ट करना है, जैसे आपको ऑप्शन इंडेक्स करना है तो आप थर्ड नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आप करना चाहें, मैं निफ्टी कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको कॉल या पुट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं पुट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेंगे। मैं 17200 की पुट यहाँ पे 17200 की 17200 की पुट मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड MW में क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इजिली तो आपका ये जो पुट ऑप्शन है यहाँ पे ये भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर कोई पोजीशन मुझे बाई करनी है सपोज, तो वो मैं कैसे करूँगा आपको मैं बता देता हूँ, इंट्राडे की पोजीशन बाई करके। ठीक है, ओके, तो ये रहा मार्केट वॉच का ऑप्शन। मैं एक आपको ऑर्डर लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आइडिया का स्टॉक है, इसका रेट अभी चल रहा है 10 रुपये 20 पैसे, ठीक है। इसको मैं बाई करता हूँ, बाई में मैं क्लिक करूँगा, बी वाले ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा, जैसे बी वाले ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप एक्सचेंज NSE रहेगा आपका NSE, ठीक है। आप प्रोडक्ट कोड में आप CNC, CO मतलब कवर ऑर्डर होता है स्टॉप लॉस के साथ, CNC मतलब अगर आप होल्डिंग करना चाहते हैं, MIS होता है आपका इंट्राडे, तो मैं MIS सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको क्वांटिटी लेना है। इसके बाद यहाँ पे बाई सेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बाई सेल का विंडो दिख रहा है ऑप्शन। इसमें आप अगर सेल करना चाहें तो सेल की भी विंडो यहाँ से आपको आ जाएगी, तो अभी फिलहाल मैं बाई कर रहा हूँ तो बाई में क्लिक करूँगा। इसके प्राइस टाइप में आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट SLM और SL सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं लिमिट सेलेक्ट कर रहा हूँ सिंपल सा। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पे प्राइस यही रहेगा, प्राइस मैं इसको ठीक है यही प्राइस रहेगा। इसके बाद मैं सबमिट में क्लिक करूँगा। ओके,
जैसे मैं सबमिट में क्लिक करूंगा कुछ इस तरह का विंडो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सब कुछ दिखा रहा है, आपने कितनी क्वांटिटी ली है, प्रोडक्ट कोड कौन सा है आपका और आपका प्राइस। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ऑर्डर बुक वाला जो पेज है, आपका बॉक्स है, उसमें आपका ये दिख जाएगा कहाँ पे आपकी पोजीशन लगी हुई है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए, ये कंप्लीट में आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे एक डिटेल के नीचे का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर जितनी पोजीशन आपने लगाई है अगर वो आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये आपकी एक पोजीशन अभी कंप्लीट हुई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ट्रेड बुक में देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपकी पोजीशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद आप पोजीशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो उसका प्राइस चल रहा होगा, MTM मतलब मार्क टू मार्क प्राइस, मतलब कितना प्रॉफिट चल रहा है कितना लॉस, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर इसी को मुझे सेल करना है तो सिंपल सा क्या करूँगा, मैं सेल करना है अगर तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टॉक आपने बाई कर रखा है इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप स्क्वायर अप में क्लिक करेंगे। ठीक है, स्क्वायर अप में जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप प्राइस, जो भी प्राइस आप डालेंगे उस प्राइस से आपका क्या हो जाएगा, आपका सबमिट करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे आप और सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑल पे जाता हूँ और ओपन पोजीशन में जाता हूँ तो अभी मेरी जो पोजीशन है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली जो पोजीशन मेरी दिख रही है जो मैंने लगाई है 10 रुपये 20 पैसे से, यहाँ से आप देख सकते हैं अभी ये ओपन है और मेरी कोई पोजीशन अभी, मेरी सिर्फ एक ही पोजीशन कंप्लीट हो रही है जो मैंने बाई किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर बैंक निफ्टी की कोई कॉल या पुट बाई करते हैं तो कैसे आप उसको बाई करेंगे। तो सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मार्केट वॉच पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये बाई का ऑप्शन दिख रहा है, बाई वाले इसमें क्लिक करेंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट कोड में देखेंगे आपको यहाँ पे अगर NRML सेलेक्ट करेंगे तो आप अपनी पोजीशन अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर MIS सेलेक्ट करेंगे तो आप इंट्राडे के लिए अपनी पोजीशन लगा पाएंगे, और अगर CO ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मतलब आप स्टॉप लॉस के साथ ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे। तो सिंपल सा मैं इसमें MIS सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे प्राइस टाइप पे मैं इसको लिमिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे प्राइस डाल दूँगा 48 एंड देन मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। आप यहाँ पे सारी डिटेल दे सकते हैं, इसके बाद सबमिट करेंगे, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका पेंडिंग दिख जाएगा ऑर्डर। आप यहाँ पे आके ऑर्डर बुक वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे ओपन पोजीशन में देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर वाला आपको दिख जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये आपकी पोजीशन ओपन है अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोजीशन इसमें इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपने कोई पोजीशन पहले से ही होल्ड कर रखी है, लेट सपोज मैंने एक होल्डिंग कर रखी है तो वो कैसे शो होगी। तो सिंपल सा मुझे इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ट्रेड में क्लिक करना है और ये होल्डिंग में क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं होल्डिंग में क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं एक नया विंडो ओपन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक
पहले से ही आइडिया का स्टॉक ले रखा है, तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके, ये आपका है। अगर इसको भी आप निकालना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे आप इसको सेल करेंगे। तो सिंपल सा आपको NSE में क्लिक करना है और स्क्वायर अप में क्लिक करना है। तो स्क्वायर अप वाले पोजिशन में क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पे इन और पे आउट कैसे करते हैं। सिंपल से इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, पे इन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पे इन में क्लिक करेंगे, नया विंडो ओपन हो जाएगा आपका। आप यहां से सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद एक्सचेंज सेलेक्ट करेंगे। कोई भी एक्सचेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो काम होता है एक ही फंड से इक्विटी कमोडिटी करेंसी सारे उसमें काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक है आपका। इसके बाद अमाउंट डालेंगे, इसके बाद आप सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा आपका, आप ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही अपना पैसा ऐड कर पाएंगे। आप ये देख सकते हैं आपका नेट बैंकिंग वाला पेज आ गया है आपका। ठीक है, तो नेट बैंकिंग के लिए होगा ये बेसिकली। पे आउट करने के लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे, फिर से आपको पे इन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और इसको, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पे आउट का, पे आउट में क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सचेंज सेलेक्ट करेंगे, जिससे पैसा निकाल रहे हैं आपको, बैंक डिटेल आप डालेंगे, इसके बाद अमाउंट डालेंगे, इसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका ये विड्रॉवल आ जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका सेटलमेंट होगा आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मेरा सेटलमेंट है, 2,899 रुपये मेरा सेटलमेंट है। इसका मतलब इतने पैसे ही अभी क्या कर पाऊंगा मैं, पे आउट मार पाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सारे प्रॉफिट मार्ट के जो एप्लीकेशन है उसको कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साथ बने रहना है। धन्यवाद।